बताना चाहता हूं, पूरे देश में जो एक अभिशाप व्याप्त था, पूरे देश में जो एक अभिशाप मौजूद था, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वो ऐतिहासिक निर्णय लिया, एक साहसिक निर्णय लिया, और आप सारे साथियों को जो एनपीएस में शामिल थे उन सबको ओपीएस में शामिल किया, आपका घर परिवार को आबाद किया, आपके घर परिवार भूपेश बघेल जिंदाबाद, अरे जोर लगा के जिंदाबाद, खड़े होके जिंदाबाद, खड़े होके जिंदाबाद। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कवासी लखमा जी, आवाज साथी, हम स्वागत कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। एक बात तो कहना पड़ेगा, जो कहा सो अब उपेश है तो, उपेश है तो, उपेश है तो, मालूम है कितना जोर जोर से आप नारा लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? सच बोल रहा हूं ना, काका और काका भी जिंदा है, भूपेश बघेल है तो भरोसा है। साथियों, माननीय बघेल जी को, माननीय भूपेश दाऊ जी को, माननीय काका को, माननीय जितने नाम, एक व्यक्ति हजार नाम, ऐसा ऐसा बहुत बिरले होता है। शुरुआत करें, में आज एक गौरव पल होगा, पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में यह पहला अवसर होगा कि शासकीय सेवकों के द्वारा अपने मुख्य परम आदरणीय भूपेश बघेल जी को एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू करने के लिए पेंशन दिशा सम्मान, साथियों पेंशन दिशा सम्मान दे रहे हैं, उनका जो एक विजन है, उनका जो दृष्टि है, उन हमारे साथियों का भविष्य सुरक्षित किया है, आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित किया है। आने वाले समय में, आने वाले समय में हमको दाऊ जी का इस बड़े काम को हमेशा याद रखना पड़ेगा। हमें दाऊ भूपेश बघेल जिंदाबाद, और जोर से लगाएंगे तभी तो दाऊ जी समझेंगे कि क्या और इसके आगे क्या। स्वागत, ठीक है ना? अरे रुको भाई, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब दीप प्रज्वलित कर महात्मा गांधी एवं मां सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण करेंगे कार्यक्रम। सूची जा चुका है, मैं ऐसे करा तो बैठो ना, आप आराम से बैठो, नहीं तो आप नाम लेंगे तो आपका देख माननीय महोदय का हमारे संयोजक आर के रिछारिया, वीपी शर्मा, संजय सिंह, राज विजय झा, सतीश मिश्रा और सुभाष मिश्रा जी को मैं आग्रह कर रहा हूं गजमाला से। Hey!
में कवासी लखमा जी मौजूद हैं, उनका स्वागत। माननीय कमल वर्मा जी, माननीय बीपी शर्मा जी, मैं सारे प्रांत अध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि बारी बारी से आकर माननीय भूपेश बघेल जी का स्वागत हमारे प्रांत अध्यक्ष साथी करेंगे। आदरणीय कमल वर्मा जी, प्रदेश के संयोजक आर के रिचारिया जी, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष बीपी शर्मा जी, कर्मचारी कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष मनीष ठाकुर जी, राम सागर गोसले जी हमारे संचालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करूंगा स्थान के जो व्यवस्था किए हैं राम सागर, डीएस भरतवाज जी, विजय झा जी, मूलचंद शर्मा जी, पंकज पांडे जी, आर एन ध्रुव जी, प्रशांत दुबे जी, आशुतोष शर्मा जी, अश्वनी वर्मा जी, राकेश शर्मा जी, देवलाल भारती जी, दिलीप झा, मैं माननीय सी आर प्रसन्ना जी करूंगा, कृपया मंच पर आसन ग्रहण करेंगे। रोक देते ना बीच बीच में। एक एक चेलक जितने हमारे प्रांत अध्यक्ष साथी यहां मौजूद है, मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा, सतीश मिश्रा जी, संजय सिंह जी, पूरा हो गया मुझे तो बुला दो, मैं भी स्वागत कर लूं। मैं श्री राजेश चटर्जी जी, छत्तीसगढ़ शिक्षक परिषद के प्रांताध्यक्ष, आदरणीय श्री सुभाष मिश्रा सर, हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संरक्षक से निवेदन करता हूं, को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। लाइन से बोल चुका हूं। संजीव सिरमौर जी, देवाशीष साहू जी, टार्जन गुप्ता जी, हरिमोहन सिंह जी, कृपया आए जी, मनीष मिश्रा यहां आकर स्वागत करें। महेंद्र राजपूत जी, मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, अगर उपस्थित हो तो आपसे भी निवेदन है कि आज स्वागत करें। विभाग अध्यक्ष संघ के द्वारा माननीय भूपेश बघेल, माननीय कवासी लखमा जी का स्वागत करेंगे। मैं विभाग अध्यक्ष कर्मचारी संघ के सारे साथियों से जिला के संयोजकों से मैं निवेदन करूंगा, आप आए माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे रमेश ठाकुर रायपुर जिला, राजेश कुमार सोनी आलोक नागपुरे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी सभी तहसील में सक्रियता से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, कर्मचारी हित में काम कर रहे हैं। आज मैं सभी जिले के जो फेडरेशन है, फेडरेशन के संयोजक के नेतृत्व में श्री रमेश ठाकुर, श्री राजेश कुमार सोनी, श्री आलोक नागपुरे, श्री एम एल चंद्राकर, श्री अशोक रायचा, श्री सुनील भोपचे, श्री बी एल शर्मा, श्री दीपक देव, श्री दुर्गा साहू, सभी आए और गजमाला से भव्य स्वागत करें। ताली बजते रहना चाहिए साथियों, इंदिरावती लगातार ताली, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाले ऐसे हमारे हमारे प्रदेश के मुखिया, पूरे देश के दूसरे नंबर के मुखिया, अभिनंदन करिए। ठीक है ना, इंदिरावती भवन से
राम सागर कोसले, कुमार वर्मा, नीरज राय, संतोष वर्मा कसार, मैं साउस निवेदन कर रहा हूं। स्वागत करें, स्वागत है धमतरी जिला। धमतरी जिला तैयार है? धमतरी जिला मुकेश पांडे जी, राकेश राव घोरपड़े, लक्ष्मण राव मगर, कुमार सिंह ठाकुर, डोमा सिंह ध्रुव, दयाराम साहू, मनोज टंडन, हृदय राम सिन्हा, शिव चंद्र राजहंस से निवेदन है, आप स्वागत करते जाएं। अरे कोई तो बताओ ना, वहां से हो गया कि नहीं? धमतरी आ गया, धमतरी के साथियों के बाद महासमुंद के साथी टेक राम सेन, अशोक गिरी स्वामी, के चंद्राकर, मोहनलाल ध्रुव, चमनलाल चंद्राकर, रिखी राम साहू, ईश्वर चंद्राकर, कृपा साथी डॉक्टर एस एल ध्रुव, ब्रोता बाजार के साहू विनोद कांत सुकुशल, के एस ध्रुव, डॉक्टर देवेंद्र भैना, संदीप राम, सुरेश मेहता जी, आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ौदा बाजार के बाद नवा रायपुर के हमारे साथी राम सागर कोसले जी के अगुवाई में माननीय भूपेश बघेल जी का राम सागर कोसले, एमडी मानिकपुरी, मोहम्मद रफीक, योगेश निषाद, राजकुमार सोंदिया, विनय देवांगन, राकेश कुमार, प्रदीप कुमार वर्मा, मिश्रीलाल तारक, यशवंत कुमार साहू, बसंत त्रिवेदी, एम आर खान, भगवान सिंह चंद्राकर, चंद्रहास श्रीवास, मनोज कंवर, मजबूत साथी, संरक्षक, संयोजक, सारे चीज हमारे हैं। डॉक्टर बीपी सोनी, आप अपने साथियों सहित किशोर शर्मा, विश्राम निर्मलकर, आर सी ध्रुव, डॉक्टर चंद्रशेखर यादव, वल्लभ रजक, राजकुमार मिश्रा, बिलासपुर के साथी, अवधेश शुक्ला, संतोष मिश्रा, रामकृष्ण वैष्णव, नारायण दास भास्कर, राजेंद्र साहू, राजकुमार कश्यप, राम सिंह राजपूत, अरुण जायसवाल, केपी डिटोरे, केसी वार, रंजना ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारी पदाधिकारी हो गया, मैं बोल दिया, मैं रायगढ़ से मनोज कुमार पांडे, डीआर प्रधान, गोविंद प्रधान, रवि गुप्ता सेठी, दीपक कुमार पटेल, अनिल पटेल, वेद प्रकाश अजगले, ओम प्रकाश दरसेना, आइए अभी अभी मेरे को यहाँ का बुलाने दो। बस्तर संभाग से हमारे पधारे, बहुत दूर क्षेत्र से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का झंडा लेकर चलने वाले बस्तर के साथी आरडी तिवारी, अजय श्रीवास्तव, अनिल प्रसाद गुप्ता, सुभाष पांडे, संजय चौहान, विजय कुमार गुप्ता, अतुल शुक्ला, देवदास कश्यप, हरीश पाठक, यही रुके रहना, हमारे मुख्यमंत्री, अरे नहीं भाई सरगुजा संभाग के, संभाग के प्रभारी बाद में करेंगे, मैं कांकेर जिला संयोजक प्रमोद कुमार तिवारी, टीएस ठाकुर, राजेंद्र पांडे, हरीश कुमार, बिरबल कुलदीप, एसआर चंदेल, सचिन चंद्र खरे से निवेदन कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का
भव्य स्वागत करें, अभिनंदन करें। जाकिर खान, लोकेश रेड्डी, डी माधवराव, गणपत गुरला, महेंद्र सेठी, नसीब खान, संतोष दास, सुशील दुर्गम, बालेंद्र राठौर, श्रीनिवास मर्केल, उनने जो निर्णय लिया उन्हें इस चीज का एहसास हो कि उनके एक निर्णय से आपके परिवार का, आपके आने वाले पीढ़ियों का बहुत बड़ा उपकार हुआ है। ये उपकार हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका वंदन करते हैं। ताली बजाकर सब लोग स्वागत करिए। दंतेवाड़ा जिले से एसके दास, धर्मेश, हरीश रथ, महेश साहू, शशांक बघेल, अंकित सिंह कुशवाहा, दंतेवाड़ा के जुझारू साथी, लड़ाकू साथी भी आइए। रसकोले महेंद्र, विनायक साहू, अशोक मिस्त्री, अतुल गुप्ता, महेश सोरी, मानव प्रताप सिंह चौहान आइए और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। हीरा नेताम, ध्रुव सेठिया, चमन वर्मा, बलराम निषाद, विश्वनाथ पटेल, गिरजा शंकर साहू, नारायणपुर के साथी दीपक रावटे, जीवेंद्र सिंह ठाकुर, उत्तमपुर से कमलेश हुसैंडी, संजय कर्मकार, वेद प्रकाश पुटान, जगदीश नाथ, दीपक, राजेश कुमार, अखंड तिवारी। अब आपके सामने आ रहे हैं सरगुजा संभाग के हमारे जाबाज साथी, कोरिया से राजेंद्र सिंह, अशोक यादव रूपालिया, घनश्याम साहू, शंकर सुवन मिश्रा, सुनील साहू। जसपुर से हमारे बीच पधारे हमारे जाबाज साथी राजेश कुमार अम्बस्ट, उमेश प्रधान, नरेश कुजूर, नंद कुमार यादव, रघुनाथ सिंह राज, रवि ढोए, जाबाज साथी हमारे कमलेश सोनी, लिया डीडी, भरत पांडे, सारे साथियों से निवेदन करूंगा कि आप पधारे। दुर्ग के कितना अल्टी पल्टी करते हो यार आप लोग, है ना। बलरामपुर से एमएस आजाद, एसके सिंह, चंद्रभूषण गुप्ता और साथी स्वागत करेंगे। दुर्ग से आनंद मूर्ति झा हमारे जोरदार, भारत से मधुकांत यदु, आर एस साहू, जेपी गोस्वामी के नेतृत्व में साथी आए हैं, वो भी स्वागत करें। कबीरधाम प्रताप चंद्रवंशी, प्रमेश शुक्ला, ये तो ठीक कर दिया, ये यार आगे डिस्टर्ब कर देते हैं। कबीरधाम के साथी आइए। बेमेतला के हमारे जोरदार संयोजक स्वागत सम्मान करने आए, प्रसन्न सिंह दीक्षित, पीएल दीक्षित, बलदाव सिंह पटेल, विजय कुमार टंडन, नायक राम साहू, बोधी राम निषाद, रोमन लाल जायसवाल, मनारण माली, श्याम कुमार सोने, राजनांदगांव से डॉक्टर के एल तांडेकर, सी एल चंद्रवंशी, पी एल साहू, संजय सिंह, हरीश चंद्र यादव, रफीक खान, मुकुल। निवेदन है ये जिला स्तर पे सभी का अभिनंदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार। लैलुंग भारद्वाज जी से निवेदन है अपने साथियों के साथ आकर। अब मैं निवेदन करूंगा संभाग प्रभारी और संभाग संयोजक, पूरे पांच संभाग के प्रभारी, मंत्रालय से हमारे साथी देवलाल भारती जी के नेतृत्व में हीरा चंद बघेल, क्रांति सूर्यवंशी चाहिए ना, भैरव विश्वकर्मा, सुनील बापट, हमारे फेडरेशन के जो साथी हैं। पहले मैंने बताया था कि महेंद्र राजपूत जी अध्यक्ष जो है वो आए और मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। भाई देवलाल भारती जी के नेतृत्व में भाई हीरा चंद बघेल जी और मंत्री जी का गजमाला से स्वागत करें। जितने भी साथी खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि पीछे जो है कुर्सियां खाली पड़ी है, आप लोग उधर बैठ सकते हैं, सामने भीड़ न। तृतीय ब्लॉक में जो कर्मचारी ऊपर खड़े हुए हैं सभी कर्मचारी अपने स्थान पर आकर बैठ जाए। उसी तरह जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी जो बाहर से आए हैं सरगुजा बस्तर से, आई कार्ड ना पूछा जाए और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करने के लिए आ रहे हैं तो उनको सम्मान करने के लिए मौका दिया जाए, ऐसा मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूं। अब मैं सबका स्वागत
भव्य स्वागत हमारे मुख्यमंत्री, हमारे भविष्य के परिवार को एक नया ऊर्जा की नया दिशा देने वाले माननीय भूपेश बघेल जी का। यहाँ उपस्थित सभी साथी ताली बजाकर एक बार फिर से अभिनंदन करें, फिर से एक बार स्वागत करें। कर रहा हूं, चलो अभिनंदन पत्र वाचन के लिए कमल वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि अभिनंदन पत्र का वाचन करें। हो गया बस, अब कुछ नहीं करूंगा। वो अभिनंदन पत्र नहीं है, वो नहीं है। अभिनंदन पत्र पीछे था ना, यहाँ ये यहाँ रखो ना, तभी तो प्रेस वाले को दिखेगा। क्या कर रहे हो आप लोग? जो सुरक्षा मतलब स्वागत व्यवस्था में लगे उनसे अनुरोध है, भाई आजाद जी उधर बंद करिए। आप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम, और यहाँ पर सेल्फी ना ले, और अनावश्यक जो है समय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का ना ले। जितने भी कर्मचारी साथी सबसे अनुरोध है। राय जी, नेत्र सहायक संघ प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग नाम ले दो यार, पूरा सबको नाम ले दीजिए। हो गया ना, हो गया, बस बस बस, ज्यादा मत करो, है नहीं। स्वागत सम्मान, आवाज पूरा ओपन नहीं हो रहा है, ऐसा बता रहे, पीछे तक आवाज जा नहीं रही है। ठीक से आवाज को सेट करो यार, आप लोग नारेबाजी आप करते रहे। हमारे बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू किए, सभी साथियों से अनुरोध है कि एक बार ताली बजा कर अभिनंदन करे। मैं बैच लगा के सारे अतिथियों का स्वागत करने अपने प्रांत अध्यक्ष से निवेदन कर रहा हूं। मैं जो भी अतिथियों का बैच लगाकर स्वागत करेंगे, भाई सतीश मिश्रा जी, रिछारिया जी, मेरा अनुरोध है कि हमारे मुख्य अतिथि जी जैसे ही अभी मंचस्थ होंगे आप बैच लगाकर स्वागत करेंगे कि सामने कुर्सी खाली है, वहां आकर बैठ जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं विजय। कहाँ चल रहे भैया, दिमाग खराब। हेलो, अभी हम लोग जिसके साथ में 71 संगठन के साथ ही जुड़े हुए हैं, और हमारे उपाध्याय जी भी आए हुए हैं। महेंद्र राजपूत जी को मैंने कई बार कहा है कि वो आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर, एक 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 व्यक्ति को, एक व्यक्ति को आने दीजिए। सुरक्षा वालों से मेरा अनुरोध है महेंद्र राजपूत जी को आने दीजिए, सामने बैठ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को आज हमको सुनना है। ये बड़ा गर्व का विषय है कि ये 3 साल में पहली बार हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। साथियों, छत्तीसगढ़ में यहाँ इंद्रावती भवन के मैं सभी साथी जो है 8 तारीख को भव्य ध्यान आकर्षण रैली निकाले, और इसकी आवाज पूरे प्रशासन तक पहुंची, और एक नया इतिहास लिखा जब जो है प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू हुआ। मैं उनके सम्मान में अभिनंदन पत्र पढ़ रहा हूं। अभिनंदन पत्र, हमारे पेंशन दृष्टा आपका अभिनंदन है। कर्मचारी अधिकारी परिवार के साथ खड़े होने के लिए आपका अभिनंदन है। ऐतिहासिक निर्णय अतुलनीय न्याय करने के लिए आपका अभिनंदन है। एक राज्य एक पेंशन आपके भरोसे के लिए आपका अभिनंदन है। एक नए युग की शुरुआत, लाखों कर्मचारी अधिकारी परिवार में आत्मविश्वास की मुस्कुराहट, अब उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित है। आपका भरोसा
उस नई पेंशन योजना के श्राप से मुफ्त मिला मुक्ति, नई पेंशन योजना के श्राप से मिला मुक्ति, पेंशन की अनिश्चितता से मिला मुक्ति, आपने लाखों कर्मचारियों का अभिनंदन है, आपका भरोसा, आपका अभिनंदन है। अब चारों ओर, जब चारों ओर एनपीएस का घनघोर अंधेरा था, पुरानी पेंशन योजना बहाल कर कर्मचारी अधिकारियों को आप बने सहारा, आप निर्णय अतुलनीय है, अविश्वास है, हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित है, आपका भरोसा, आपका अभिनंदन है। हमारे पेंशन दृष्टा, आपको यह अभिनंदन पत्र हम लोग छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी के 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारी की ओर से यह अभिनंदन पत्र प्रांतीय संयोजक होने के नाते। अब वो घड़ी आ गया है, अब वो घड़ी आ गया है जिसमें हम अपने प्रदेश के मुखिया, हमारे मार्गदर्शक परम आदरणीय भूपेश बघेल जी को, मेरे साथी अपने जगह में खड़े हो जाए, ये पूरे प्रदेश नहीं देश में ये पहला अवसर है। जो से ना लगाइए उपेश बघेल जिंदाबाद, ओपीएस लागू करने के लिए जिंदाबाद, आगे जो देने वाले उसके लिए भी जिंदाबाद। अरे भाई महंगाई भत्ता नहीं मिला है बोलते हो, जोर से ताली बजाओगे, ताली में कमी नहीं होना तब महंगाई भत्ता में भी कमी नहीं होगा। भूपेश है तो भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है। 4 लाख अधिकारी कर्मचारी टीवी मीडिया के माध्यम से आपको देख रहे हैं, आपकी ऊपर नजर है, जितना जोर से ताली बजाओगे नवरात्रि का दक्षिणा। संयोजक आदरणीय कमल वर्मा जी से निवेदन कर रहा हूं कि आज के समारोह का प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सभी साथियों से मेरा कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से यह प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपने जा रहा हूं। सभी साथियों से निवेदन है, शांति बनाए रखें और ध्यान से सुनेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। छत्तीसगढ़ परम आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कवासी लकमा जी, मंत्री वाणिज्य कर, विभिन्न विभागों के सचिव आयुक्त संचालकगण तथा प्रिय कर्मचारी अधिकारी साथियों, फेडरेशन का संयोजक होने के नाते आप सभी का इस ऐतिहासिक आयोजन में आत्मीय स्वागत का एक विशाल वट वृक्ष है, प्रदेश के कर्मचारियों का एक विश्वास का केंद्र है। इस बैनर से हमने प्रदेश के कर्मचारियों को 2019 वार्षिक वेतन वृद्धि बहाली, अनकंपा नियुक्ति में 10% सीलिंग हटाने, छत्तीसगढ़ में पेंशनर सेल की स्थापना और अभी प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने जैसे अनेक मुद्दों को लेकर दिसंबर 2 काम बंद हड़ताल 14 सूत्री मांगों को लेकर किया था। महोदय जी, हमें खुशी है कि कुछ मांगों का समाधान आपसे समय समय पर हुए संवाद पश्चात हुआ है। उनके घर में अंधेरा छा गया था, उनके घर में उनके आश्रित को तृतीय श्रेणी पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिलाकर आपने पुण्य का कार्य किया है, उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका इस पुण्य कार्य के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। महोदय जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि प्रदेश के कर्मचारियों के 14 सूत्री उन्नत वेतनमान महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान का एरियर्स अनुसार गृह भाड़ा भत्ता, विभागों में पदोन्नति, पुरानी पेंशन योजना, अरे अनुरोध पर पिंगवा कमेटी की गठन आपने की है, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपका निर्देश था कि 3 माह के अंदर में एक कमेटी रिपोर्ट देगी, लेकिन शासन मेंशन नहीं किया, समय के बारे में उन्हें उल्लेख नहीं किया और पिंगवा कमेटी के जो रिपोर्ट अब तक आ जाना चाहिए था वो आए नहीं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि कमेटी की शीघ्र रिपोर्ट देने के लिए आप निर्देश जारी करेंगे, योजना की जाए ताकि उनके परिवार का भविष्य भी खुशहाल हो सके।
मुख्यमंत्री जी, आपने प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर लगभग 3 लाख आरक्षित किया है, इसके लिए हम पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप माटी पुत्र हैं, एक संपन्न परिवार के संबंध रखते हुए भी आप गरीबों के दुख दर्द को हमेशा समझने का प्रयास किया, एक योजना लागू किया है जिनका क्रियान्वयन हमारे कर्मचारी अधिकारी जमीनी स्तर पर जी जान लगा कर रहे हैं। महोदय जी, लेकिन दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि कर्मचारियों का उनका वर्धक नहीं है। महोदय जी, हम आपका हृदय से सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी अधिकारियों को उनके मौलिक अधिकार देने के मामलों में शासन आहत है। देश में अनियंत्रित होकर बढ़ती महंगाई के कारण ने शासकीय सेवकों का कमर तोड़ रखा है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि प्रदेश के कर्मचारी साथियों, आप यदि मेरा इस मांग का समर्थन करते हैं तो अपने स्थान माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समझ रहे होंगे कि प्रदेश के 4.5 से लगातार इंतजार कर रहे हैं कि इंद्रावती भवन, एक पवित्र स्थल, इंद्रावती भवन हृदय स्थल से आज मुख्यमंत्री महंगाई भत्ता का ऐलान करेंगे। ऐसे सभी कर्मचारी, आपको पुनः इस मंच के माध्यम से इस सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही विश्वास व्यक्त करता हूँ कि प्रदेश के कर्मचारियों की आत्मा की आवाज केंद्र के पानी विराम देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं, आप जानते होंगे, ये कुरुड्डी के रहने वाले हैं। माननीय दोस्त, जब उसने कहा कि मैं हेलीकॉप्टर नहीं चढ़ा हूँ तो मुख्यमंत्री जी को याद था कि मेरे को मेरे गरीब सुदामा मित्र को हेलीकॉप्टर में बिठाना है और उस गरीब अपने मित्र को अपने गांव और जिस संघर्ष से एक जमीन से लड़ाई लड़ते हुए संघर्ष करते हुए आज मुख्यमंत्री के पद पर जो पहुंचे हैं वह एक अपने आप में एक होते हैं जो संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और हमारी पूरी प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों की तरफ से हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर आगे बढ़े। बिना ताकत झोंके तो एक जर्रा भी हिल नहीं सकता, संघर्ष ही दिलाता है एक इंसान को मुकाम, उसका बिन मेहनत के कोई फल मिल नहीं सकता, बिन मेहनत के कोई फल मिल। साथियों, नवरात्र के अवसर पर, चंद्रघंटा माता के आज पूज्य अवसर पर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने उद्घाटन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आज महंगाई भत्ता का घंटा जरूर बजेगा। साथियों, मुख्यमंत्री जी के सम्मान में मैं जोरदार शारी बोल रहा हूँ, आप सब ताली बजाएंगे। चैन तुमसे, यू तो लाख हंसी है, लेकिन इस दिल को प्यार तुमसे है, इस दिल को प्यार तुमसे है, इस दिल को प्यार तुमसे है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद। सबको जोरदार ताली बजा दीजिए, स्वागत हो गया। सभी अधिकारी कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। संगठन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी, प्रवक्ता बीपी शर्मा जी, महासचिव आर के रिचारिया जी, सचिव राजेश चटर्जी जी, प्रवक्ता विजय झा जी, पंकज पांडे जी, सत्येंद्र देवांगन जी, मूलचंद शर्मा जी, यशवंत सिंह वर्मा जी, साथ ही विभिन्न जिलों से सभी साथियों, भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले नवरात्रि का आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों में एक अपार उत्साह का संचार हुआ है। गर्म पानी और गर्म भोजन जरूर कराएंगे, नहीं तो फिर बहुएं जो है ये
बुढ़ापे में भी घर के चाहे बेटा बहू हो चाहे नाती हो, सब लोग बराबर ध्यान रखेंगे। और मैं समझता हूँ महिलाएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित, बहुत लंबे समय से मांग थी कि आप पुराने पेंशन लागू किया जाए, तो बहुत सारे संगठनों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई है और जिसका निराकरण भी बहुत आवश्यक है। जिस दिन सभा में विभिन्न संगठन के लोग आए थे, अभी इंडोर स्टेडियम में भी आयोजन हुआ, बस्तर में हुआ, मुख्यमंत्री निवास में भी विभिन्न संगठन के लोग आए, चिंताएं उन्होंने व्यक्त की है। आदरणीय साथियों, इन सब का निराकरण भी हम लोगों को करना है ताकि बहुत दिन कोरोना काल में बहुत मेहनत की और इसी कारण से पूरे प्रदेश में चाहे घर घर में चावल पहुंचाने की बात हो, मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी जहां निवास में रहकर ही काम कर रहे थे, 30% उपस्थिति में काम थी और उसके बाद भी निरंतर मानवता की सेवा में आप डटे रहे। वैश्विक महामारी कोई दशक में नहीं आता, 100 साल दो को लड़ी और छत्तीसगढ़ के प्रबंधन को पूरे देश ने सराहा है, तो मैं इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। सारे हमारे परिचित या तो प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं या हमसे बिछड़ गए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उन लोगों के लिए भी योजनाएं बनाई कि किस प्रकार से उन परिवारों को जो छूट थी उसे साल भर के लिए हमने उसे ख़त्म किया और सैकड़ों परिवार को उसका लाभ जो सालों साल भटक रहे थे उसे सप्ताह में ही महीने भर में उसका लाभ उठाए हैं। आदरणीय साथियों, अंशदायी पेंशन योजना के कारण आप लोगों के सामने जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी इसका मुझे अंदाज था। सेवानिवृत्ति होता है तो उनकी सिर्फ इच्छा रह जाती है कि शेष जीवन भी आत्मसम्मान के साथ निश्चिंत होकर गुजार सकें, के मनोबल को प्रभावित कर रही थी और उसकी क्षमता पर भी इसका असर हो रहा था। किसी भी सरकार की जो ताकत है वो हमारे अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, वो सारी योजनाओं, ऐसे समय में यदि हमारे अधिकारी कर्मचारी अपने भविष्य के लिए यदि चिंतित रहेंगे तो फिर सेवा कार्य भी जमीनी स्तर के कार्यक्रम है उसे सफल बनना ही चाहिए और इसके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू उसकी बहाली की गई जिसका लाभ पूरे हमारे लाखों परिवार को मिलेगा, ही प्रभावी तरीके से हो सकेगा, छत्तीसगढ़ के विकास और तेजी से होगा। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आपके जहाँ 5 दिन के आप सप्ताह हमने, हमारी सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। हमारे यहाँ भी ये चर्चा हो रही थी कि कैसे जब दूसरे राज्य कर रहे हैं तो हम लोग भी कर देते हैं, क्योंकि आप सब नहीं, आप ही लोगों के माध्यम से मुझे पता चलता है। और उस समय स्थिति ये थी जब लॉकडाउन था, सारे उद्योग व्यापार बंद थे, खदानें बंद थी, ट्रांसपोर्टिंग बंद रहा है, तो सारे व्यावसायिक गतिविधियों के राज्य के खजाने में विपरीत प्रभाव पड़ा। तब अधिकारियों ने मुझसे कहा था 6 राज्य बंद कर चुके हैं, हम लोगों को भी विचार करना चाहिए। तब मैंने अधिकारियों से 2 टुक कर्मचारियों को पैसा देने के लिए तनख्वाह है तब तक के मैं कभी कटौती नहीं करूंगा, जब विपरीत परिस्थिति आ जाएगी वो खुद समझदार हैं, उसको समझेंगे, महसूस करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। लेकिन कभी खाली नहीं हुआ, बल्कि पिछले साल 3000 करोड़ का घाटे का बजट प्रस्तुत किया था, इस साल 701 करोड़ का सरप्लस बजट हमने प्रस्तुत किया। जो पेंशन के बारे में अगस्त में ही हमने उसे बढ़ाया था, 10% से बढ़ा के 14% किया था, जो हमारे प्रशासनिक इकाई है लगातार हम वृद्धि करते जा रहे हैं, 4 नए जिला बनाए हैं,
85 तहसील बनाए हैं, 4 अनुभाग से लगातार आम जनता को सुविधा को ध्यान में रखते हुए इकाई छोटे हम कर रहे हैं, ताकि इसका असर तो पड़ता ही है। अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मजदूरों के लिए भी हमने योजना लागू की, 7000 रुपया प्रतिवर्ष। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में किसी राज्य में इस जुड़े हों उनके मानदेय और उसके क्षेत्र विकास निधि में भी हमने वृद्धि की है, ताकि वो लोग भी सेवा कर सकें। आज ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हुई, उसके बाद जो आप लोग कह रहे थे क्या, महंगाई भत्ता, तो एक चीज समझ लीजिए, मैं वही चर्चा कर रहा था। आप लोग सम्मान करने बुलाए हैं कि मांग करने बुलाए हैं? मांग ही कर लीजिए, है ना। तो आपके चेहरे में सम्मान में खुशी जितनी दिखी थी, उससे ज्यादा मांग में ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं अभी अपने कर्मचारी अधिकारियों को निराश कभी नहीं करूंगा, लेकिन आप कैसा हो, अभी आपने जो मांग रखी, मैं चला तो जब मुझे तो बुलाया गया था सम्मान करेंगे, होर्डिंग सब रास्ते पर वही लगा है। अब मांग आपने किया है, मैं आपको ये खुशखबरी बहुत जल्दी दूंगा, ये बात का विश्वास दिया बाहर आएगा क्या है, वित्त विभाग भी मेरे पास है, तो इसलिए मैं अधिकारियों से बात कर लूंगा और बात करके ये खुशखबरी जितना जल्दी हो सके आप तक पहुंचाऊंगा, इस बात का विश्वास दिला। सभी कर्मचारी संगठनों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हुए, आप सब ने जो सम्मान किया, जो अपनापन दिखाया, उसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी विराम देता हूं। भूपेश बघेल जी जिंदाबाद। आभार प्रदर्शन के लिए भूपेश बघेल जी जिंदाबाद। आर के रिचारिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं। राजीव रिचारिया जी, महामंत्री छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। बहुत जल्दी जो है, मैं सोचता हूं, मुझे विश्वास है, भूपेश है तो भरोसा है, मुझे विश्वास है